हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड ऑफ सॉल्यूशन और दूसरा इटरेटिव मेथड ऑफ सॉल्यूशन। तो डायरेक्ट मेथड ऑफ सॉल्यूशन के अंदर गॉस एलिमिनेशन मेथड एक टाइप है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड। बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्लास 10th में आपने ऑलरेडी एलिमिनेशन मेथड पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशंस के पेयर को सॉल्व करने का तरीका। तो आज उसी बेसिक मेथड से हम गॉस एलिमिनेशन मेथड को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कंसिडर करने वाला हूँ और ये एग्जाम्पल मैंने लिया है बीएस गरेवाल की बुक से, डॉक्टर बीएस गरेवाल की बुक से, फाइन। तो वो इक्वेशन कुछ ऐसा है, इट इज सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक्स प्लस फोर वाई माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस फाइव, नेक्स्ट इज एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स जेड इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, एंड थर्ड इज 3x minus y minus z is equal to 4। ये आपको कुछ linear simultaneous equations given है, हमें इसे solve करना है, fine? Okay, तो class 10th में आपने already solve किया हुआ है दो equations को, अब हम तीन equations को solve करने वाले हैं जहां पर हमारे पास तीन variables हैं। तो इसके solution का मतलब क्या है कि x, y, z की ऐसी value निकालना जो इन तीनों equations को satisfy कर रही होगी, fine? Okay. सबसे पहली चीज जो आपको करना है वो है आप तीनों का नाम दे दीजिए। दैट इज सपोज दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू, दिस इज इक्वेशन थ्री, ठीक है। अब हम कोई भी दो इक्वेशन निकालेंगे, कोई भी दो इक्वेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। मेथड इज गॉस एलिमिनेशन मेथड, ओके। सो एलिमिनेट करना पड़ेगा वेरिएबल्स को। जैसे मुझे क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंसिडर करता हूँ तो एक्स का कोफिशियंट सेम है। जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका कोफिशियंट सेम होना चाहिए। कोफिशियंट सेम होगा हम तभी उसे प्लस या माइनस करके एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जैसे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वन और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट सेम है, हम इसे सब्सट्रैक्ट करके, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करके हम इजिली एक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, फाइन। अब जरूरी नहीं है कि यही एक ऑप्शन है। जैसे सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को देखेंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई लिखा हुआ है, हम इसे भी ऐड करके वाई को एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को देखेंगे तो माइनस जेड और माइनस जेड लिखा हुआ है, तो हम उसे भी सब्सट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर सकते हैं जेड को। तो कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि हम किसी एक को ही लेने वाले हैं। इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आप किसे एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो मैं एक्स को एलिमिनेट करता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है। वन और टू में एक्स का कोफिशियंट वन है और उनका जो साइन है दोनों का वो पॉजिटिव है, ओके। सो हम लिख लेंगे डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट इक्वेशन वन एंड टू। इसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए एक्स प्लस 4y minus z is equal to minus 5 और x plus y minus 6z minus 12, fine? जब हम इसको subtract करेंगे तो नीचे वाले equation की sign change हो जाती है, this becomes like this, x plus x minus x ये cancel हो गया, 4y minus y ये हो जाएगा 3y, minus z plus 6z हो जाएगा plus 5z और minus 5 plus 12 हो जाएगा 7। तो हमें ये एक इक्वेशन मिल गई जिसको मैं फोर्थ नाम दे देता हूं, जो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ली गई, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें अगेन दो और पेयर सेलेक्ट करना है जहां से हम लोग एक्स को अगेन एलिमिनेट करेंगे, तो एक और इक्वेशन मिल जाएगी वाई और जेड में और उसको हम फिर इजिली सॉल्व कर सकते हैं, फाइन। अब मैं कंसिडर कर रहा हूं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन। जब मैं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को कंसिडर कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि अगर एक्स एलिमिनेट करना है तो कोफिशियंट सेम बनाना पड़ेगा। कोफिशियंट सेम बनाने के लिए मेरे को सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो भी 3x हो जाए, ओके। सो मैं सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड इट बिकम्स 3x प्लस 3y माइनस 18z इज इक्वल टू माइनस 36।
और थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4, फाइन। अब हम इसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, सो दिस बिकम्स प्लस प्लस एंड दिस बिकम्स माइनस, ये हो गया कैंसिल। सो 3y प्लस y बिकम्स 4y एंड माइनस 18z प्लस z बिकम्स माइनस 17z इज इक्वल टू माइनस 40, ये है हमारा फिफ्थ इक्वेशन। अब हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन अवेलेबल है जिसमें केवल y और z अननोन है, तो इनको सॉल्व करके हम y और z की वैल्यूज बता लेंगे, निकाल लेंगे, फाइन। सो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 3y लिखा हुआ है और यहाँ पर 4y लिखा हुआ है, तो अब अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो मुझे y का कोफिशियंट को सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए मैं इस फोर्थ इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिफ्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो फोर्थ इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 4 इंटू 3 दैट इज 12 वाई प्लस 20z इज इक्वल टू 28। नेक्स्ट अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाए इक्वेशन नंबर 5 को, सो 12y माइनस 17 इंटू 3 इज 51z इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 40 इज माइनस 120। अब हम इसको फिर से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, y एलिमिनेट हो जाएगा, दिस बिकम्स 71z एंड दैट इज इक्वल टू 148, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्लियरली आपको z की वैल्यू मिल गई 148/71, ये आपको z की वैल्यू मिल जाती है, फाइन। नेक्स्ट आपको चाहिए y की वैल्यू, अगर आप फोर्थ या फिफ्थ इक्वेशन किसी में भी z की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो सपोज मैं इस फोर्थ इक्वेशन में अगर z की वैल्यू पुट कर दूं तो इट इज 3y प्लस 5 ऑफ z दैट इज 148/71 is equal to 7, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगी y की। सो यहां से आ जाएगा 3y is equal to 7 minus 5 into 148/71। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो हमें वैल्यू कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, दैट इज 7 minus 740/71, ठीक है। अब अगर LCM लेंगे यहां पर तो 71 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा कुछ 497 माइनस 740, ठीक है। अब ये 3 भी नीचे डिनोमिनेटर में आ सकता है, सो y की वैल्यू आ जाएगी, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 243 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 71, तो 3 से 243 कैंसिल होगा, दैट इज 81 टाइम, सो इट इज माइनस 81/71, ये आपको मिल जाएगी इसकी वैल्यू, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको y की, फाइन। नेक्स्ट आपके पास z भी अवेलेबल है, आपके पास y भी अवेलेबल है, दिस इज व्हाट इज y। जब आपके पास y और z दोनों अवेलेबल है तो आपके पास 3 गिवन इक्वेशन था, आप किसी में भी पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं y और z की वैल्यू को पुट कर दे रहा हूँ थर्ड इक्वेशन में, सो इट इज 3x इज इक्वल टू 4 प्लस y प्लस z हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। सो प्लस जेड अगर मैं पुट करता हूं तो प्लस 148/71 और y पुट करता हूं तो माइनस 81/71, LCM आ जाएगा यहां पर 71, ठीक है। सो नाउ इट बिकम्स 284 एंड देन प्लस 148/81, ओके। तो ये वैल्यू आपको कुछ मिल रही है 351/71, 3 यहां से डिवाइड पे आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 351/3 इंटू 71, 3 से कैंसिल हो रहा है 351, 117 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 117/70। तो x, y, z की वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और इस तरीके से हम केवल 3 इक्वेशन ही नहीं 4 इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि 4 इक्वेशन अगर गिवन है वो थोड़ा प्रोसेस लेंदी हो जाता है, तो 4 इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट आई होप आपको ये मेथड बहुत ही इजी लगा होगा, बहुत ही इजी मेथड है ये, ठीक है। आप रिलेट करके पढ़ें कि आपने पहले ऑलरेडी क्लास 10th में क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड इट्स वेरी इजी टू सॉल्व, फाइन। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 4 इक्वेशन लेके आऊंगा जिससे आपको थोड़ी और क्लियरिटी मिल जाएगी कि कितने भी नंबर ऑफ इक्वेशन हो मेथड सेम रहने वाला है, फाइन। Okay then, see you in the next one. Till then, bye-bye.